Hello, everybody. I am Chaitali Sarkar, and welcome to my program, Paradise Regained. मैं हूँ चैताली सरकार और आप सभी का मेरे प्रोग्राम पैराडाइज रिगेन में बहुत बहुत स्वागत है. यू नो, फ्यू इयर्स बैक व्हेन वी मूव्ड इनटू दिस फर्स्ट फ्लोर फ्लैट, आई डिडंट लेट माईसेल्फ डाउन विद एनी पेसिमिस्टिक थॉट. आई एम लूजिंग आउट ऑन माई गार्डन एंड आई एम लूजिंग आउट ऑन माई लॉन. क्यारी के बगल में मैंने इतना सुंदर तरीके से हेज लगाया था, अब मेरा क्या होगा. नो, आई एम नेवर bogged down with anything that's negative and pulls me back. I bounced back and I took it up like a challenge on the terrace. I will have a lawn and I will have hedge just the way I had in my lawn. I'm first to admit it. Today's program, many of you have asked, aur sabhi ka bahut jigyasa tha, maine kis tarah wo garden, lawn, remember when I did the fountain one, किस तरह लगाया है, हेजेस किस तरह लगाना है, मेंटेनेंस क्या है, कौन सा प्लांट्स चूज करना है. चलिए आज का प्रोग्राम आप सभी के लिए ऑफ लॉन्स एंड हेजेस. वेलकम. रिमेम्बर दिस वाज द लॉन एंड द ग्रास ग्रोइंग ऑन इट एंड आई स्टेप्ड ऑन इट एंड आई सेड दिस इज नॉट टफ. सो लेट मी शो यू हाउ इट्स डन. आप लॉन ग्राउंड फ्लोर में या मेरे जैसे टेरेस में करना चाहते हैं, किस तरह बनाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ. लास्ट ऑफ द रिमेनिंग पिटूनियस सून विल बी ऑल गॉन. ईटा ब्रिक्स, आप ब्रिक्स का एक आकार बना दीजिए, आपको जैसा शेप चाहिए. उसमें आप पूरा मिट्टी भर दीजिए, कुछ भी मिट्टी हो सकता है. ग्रास ग्रोज वाइड, यू डोंट नीड टू हैव एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट. जस्ट आपको मिट्टी से भर देना है. कोकोपीट है, सॉइल है, सैंड है, कॉम्पोस्ट है, एनीथिंग. जस्ट फिल दैट विद अ लेयर ऑफ सॉइल. लेट मी जस्ट इन वेरी ब्रॉड कैटेगरी, मैं जस्ट सॉइल ही बोल रही हूँ. अच्छा, जब आप इसको लगा दिए हैं, खुरपी लेकर मैं ये सबको दिखाती हूँ कैसे करके होता है. और डेंस, हाँ, ग्रास इज अ रनर. पहले तो घास आपको कहां से मिलेगा, किसी भी नर्सरी, लोकल नर्सरी या ऑनलाइन से भी आप परचेस कर सकते हैं. यू नो, दे कम इन कार्पेट्स रोल्स, 3 feet by 2 feet, 5 feet by 3 feet, 7 feet by 5 feet. आपको जस्ट ऐसा मिलेगा. आपको उसको ठीक इसी तरह टुकड़ा टुकड़ा करके बीच बीच में, आपने जो मिट्टी भरकर वो पैटर्न में रखा है, जिस बीच बीच में आप लगा दीजिए. वॉटर इट वेल, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. विद इन फ्यू डेज यू विल सी, यू नो, दीज आर द रनर्स. ऐसा होते हुए इट विल जस्ट स्प्रेड आउट एंड हैव ग्रीन. डिपेंडिंग ऑन दिस एरिया, आप उतना ही कार्पेट आपको नहीं लेना है, बहुत कम लीजिए. जस्ट छोटा छोटा टुकड़ा ऐसा बैठा दीजिए और विद इन फ्यू मंथ्स आपको मेरा ही जैसा पैच ऑफ ग्रीन मिल जाएगा. तो ये हुआ ग्रास के बारे में. मेंटेनेंस फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है, बारिंग एक्सेप्ट द विंटर मंथ्स. विंटर मंथ्स को छोड़कर आप किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं. द समर मंथ्स, रेनी सीजन, इट विल टेक दिस ब्यूटिफुल शेड ऑफ ग्रीन एंड विद दिस लार्ज सीजर आप इसको ट्रिम करते जाइए. जस्ट कीप ऑन ट्रिमिंग. देखिए, यू जस्ट कीप ऑन ट्रिमिंग एंड यू गिव इट दिस नाइस शेप. आपको मैं और एक दिखाती हूँ, सो दैट यू नो ऑल योर डाउट्स आर क्लियर. हाउ डिड आई गेट दिस पैटर्न. मैंने फॉर द वॉटर फाउंटेन, रिमेम्बर आई टोल्ड यू, इट्स अ सिंटेक्स टैंक. देखिए, मैं अच्छी तरह दिखाती हूँ. आई यू सीन, इट्स अ सिंटेक्स टैंक.
तो इस यहाँ पे तो मिट्टी देना नामुमकिन है. आई कैन नॉट अफोर्ड टू पुट सैंड सॉइल नथिंग ओवर हियर. सो माइन इज माइंड यू दिस लॉन इज 5 years old. धीरे 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 ये चढ़ता गया और मैं शेप देते हुए टुडे आई हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल शेप. यू कैन जस्ट ले इट. देयर वाज अ टाइम यू नो व्हेन आई डिडंट क्लाइंब दिस एंड आई यूज्ड टू पुट अ वॉलपेपर ओवर हियर इन ग्रीन. वंस आई मेड इट विद दिस एक्वेरियम ब्लू विद फिश इट लुक्ड वेरी नाइस. बट नाउ आई हैव द नेचुरल ग्रास सो आई लेट इट ग्रो. ओह दे आर सो क्यूट. कम लेट मी मूव ऑन. ओह पेस्ट no problem. Aphids, mealybugs, oh no, they don't come close to the hedge at all. But just a word of caution, when you are laying that sand and soil, you can sprinkle a little bit of fungicide. It will do you good in case there is some problem. Otherwise, no pest, pest free. Come, let me take you to the hedge. The one that I have here is Duronto Golden. इसका ये हेज का नाम है दुरंतो गोल्डन. मैं फिर आपको दिखाती हूँ. या गुड इट्स कम आउट इजीली. ये रहा एक चैनल बना ली हूँ ईटा के साथ. एक ईटा देकर आई मेड लाइक चैनल एंड इन टू इट आई हैव फिल्ड सॉइल. अब कोई स्पेसिफिक सॉइल नहीं है, जस्ट एनी सॉइल आप दे सकते हैं. एंड यू टेक अगेन शेयर्स नहीं है, किचन सीजर्स स्लिप ऐसा करके आई यू सी दस अ लिटिल बिट ऑफ दिस ऑफ एंड आई कैन मेक इट इन टू अनदर वन एंड आई जस्ट पुश इट इन टू दिस सॉइल एंड यू कैन हैव दिस अगेन. द बेस्ट टाइम टू डू दिस इज द स्प्रिंग टाइम समर टाइम. Really season it, really picks up height and gives you this beautiful green. Again, my hedge, how old is it? It's approximately, I would say, around about 3 years old. And you can see from the stem and the branch that it is an old plant. And propagation is very easy. मैंने गोल्डन दुरंतो से क्या है, आपको जो कुछ भी लोकली अवेलेबल है, किसी के घर में बहुत सुंदर हेज है, जस्ट कटिंग लाइए, लगा दीजिए एंड यू कैन डू इट. अगेन थ्रू आउट द ईयर यू कैन डू दैट एक्सेप्ट द विंटर मंथ. विंटर मंथ इज डोमेंट पीरियड. सो यू टेक माई एडवाइस, अब अभी लगा सकते हैं एंड लेट इट फ्लरिश एंड ग्रो इन द रेनी सीजन. बहुत सुंदर तरीके से आप काट दीजिए, आप शेप दे सकते हैं. इट्स दैट इजी. Are you seeing? And then first you do the top portion, the height that you would want, and then aap side ka bhi aise se trim karte jaiye. Usse bahut hi neat look aap de payenge. And ye jo cuttings mila, aap aapke gamle mein laga sakte hain. I have put it on my wall garden. Bahut sundar shade of green hai. Freshens up any dull corner. चलिए मैं फिर लगा देती हूँ. टेस्ट फ्री, नो मीली बग्स, नथिंग, नो इश्यू. यू डोंट नीड टू फेयर स्प्रे एनी पेस्टिसाइड. फीड करना है ओ नो कभी नहीं, पर 100% सनशाइन नीडेड फॉर ग्रास एंड फॉर हेज. यू डोंट नीड टू फीड इट द वे वी पुट फॉर एनपीके एंड द अदर स्टफ. इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर हेज एंड लॉन एंड this beautiful shade of green. My viewers, my subscribers who are watching today's program, I am sure you will be able to nail it. In case you can't, but you know this desire of having it is uppermost and you feel so sad that you stay in a balcony, you have a balcony and you can't do much to it, it's not your balcony, or the balcony is not so big that it will take hedge or a lawn. So aap kya karenge? Come, let me give you some fantastic options. These are pictures. Have a look at these pictures. I'll show you. These are pictures of my daughter's 20th floor flat.
Good genes, love for gardening, she's got from mom. We have put turf readily available online, and if you're in a metro, you get it at shops also. That's her meditation place. That's the Buddha over there. And she's got a whole lot of potted plants over there. So, even if it is not natural grass, you have the feel of grass, the look of grass, the softness of grass, the turf is a very good option. If you are again helpless or aap hedge nahi laga pa rahe hain, toh uska kya alternative hai? Main batati hoon. Stones le lijiye. Aapke, if it is available readily या ऑनलाइन या कहीं से भी रिवर बेड लाइन करके उसी का पैटर्न बना सकते हैं, जैसे मैंने हेज लगाया है, आप उस तरह वो स्टोन्स लगा दीजिए, एक दूसरे बड़े नीट लुक है ना, बाउंड्री जैसा आपको एक फीलिंग होगा, नहीं हो रहा है, छोटा छोटा गमला खरीद लीजिए, मल्टी कलर या जस्ट टेराकोटा प्लास्टिक मेटल एनीथिंग एंड पुट सेम प्लांट्स. फॉर एग्जांपल इफ यू हैड दिस गोल्डन दुरंतो, सो यू पुट यू नो लिटिल पॉट्स ऑफ ओनली गोल्डन दुरंतो, एंड इफ यू आर पुटिंग गोल्डन दुरंतो पॉट्स, विल इट नॉट सफाइस एज अ हेज? मुझको तो लग रहा है जरूर आपको हेज जैसा एक फीलिंग एंड यू नो इट गिव्स यू द वेरी कंप्लीट लुक टू योर बालकनी. So, balcony हो, terrace हो, ground floor हो, options are limitless. I am sure all of you are very, very creative and you will have better options than the ones I've suggested. Please let your creativity come to the fore, let it go wild, and I'm sure you will do excellently, brilliantly, and आई होप यू लाइक टूडेज प्रोग्राम. आशा करती हूँ आप सभी को आज का प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग हैं नहीं मुझको बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आई हैव प्रोग्राम ऑन द लॉन एंड द हेज. सो सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब, एंड हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी लॉनिंग, हैप्पी हेजिंग. बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.